एक और बकरा हलाल। पता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हैप्पीली रिलेशनशिप में होते हैं और एक जो हैप्पीली सिंगल होते हैं, पर एक तीसरे भी होते हैं मेरे जैसे, जो होते एक रिलेशनशिप में पर हैप्पीली सिंगल रहना चाहते हैं। मैंने भी बहुत तरीके यूज़ करे ब्रेकअप के, जानना है? आओ बताता हूँ। पहले मैंने सोचा ब्रेकअप ही तो करना है, कोई मर्डर थोड़ी, बिग डील, जाके सीधा बोल दूंगा मुंह पे कि नहीं रहना साथ। और फिर मैंने सोचा कि मिलने की भी क्या जरूरत है, सीधा टेक्स्ट पे बोल देता हूं। लेकिन वहां से रिप्लाई आया कि मिल के बात करनी है। मैंने भी सोचा यार चलो फेयरवेल मीट के नाम पे मिल ही लेता हूं और खत्म करता हूं। मैं डर गई। अरे बेबी अप्रैल फूल मना रहा था मैं। अगस्त में अप्रैल फूल? हाँ तो जरूरी थोड़ी है अप्रैल में अप्रैल फूल मनाना है, अगस्त में अप्रैल फूल मना दिया मैंने। सोचा था ब्रेकअप करके आऊंगा, मस्त मियां खलीफा के वीडियो देखूंगा और टिश्यू पेपर यूज करूंगा, पर नहीं, लड़की अपना बेस्ट शॉट खेल गई और मेरे सपनों को पेल गई। पर मैं भी जिद्दी, आखिर निकम्मे लड़के से कौन शादी करेगा। कितना जलील आदमी हूं मैं और नलायक भी। नहीं बेबी, आखिर कब तक अपनी बंदी के पैसों से खाना खाता रहूंगा मैं। अब बस थम्स अप, बहुत हुआ। बेबी सुनो, अब जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, मतलब कुछ बन नहीं जाता, तब तक हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम मेरी शक्ल मत देखना और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। हो सके तो मुझे भूल जाना और किसी और से शादी कर लेना। बस इतनी सी बात है ना? मतलब वाला बीबी, वाला बीबी, आज से सारा का सारा बिजनेस तुम्हारा होती। हमें उम्मीद है तुम इस कंपनी को और हमारी बेटी को नई ऊंचाइयों पे लेके जाती। बेटी को हम मतलब निकाह करके उसे आईफिल टावर घुमाती, पेरिस घुमाती। आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, इतनी मोटी पार्टी फिर भी मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मेरे भाई लड़की लड़की होती है, चाहे अमीर हो या गरीब। अब शराफत से ना सही, हरामीपन से ही सही, लड़की की बेस्ट फ्रेंड के लिए थोड़ा सा भी कंसर्न दिखा दो ना, पक्का चलेगी। मैं भी इसी प्लानिंग से पहुंच गया कि उसी के सामने उसी की बेस्ट फ्रेंड को छेड़ूंगा। कहाँ है स्वीटी? वेट, स्वीटी, 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 आशकिन, आशकिन, स्वीटी। हाय हैंसी। स्वीटी या एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। ओ भाई, फिर मुझे याद है ये इंडिया है और हमारे देश में 90% ब्रेकअप कास्ट को लेके होते हैं। यूज कर लिया ये भी पैतरा मैंने, अब्बू नहीं मानेंगे। कोई तो रास्ता होगा ना? कैसे होगा कोई रास्ता, हम दोनों अलग बिरादरी के, तुम यहाँ मैं यहाँ, कैसे होगा मिलन? अब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यही सही। चलो मैं चलता हूँ, हो सके तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर देना और सुनो मुझे भूलने की कोशिश करना।
कर रही हो? अरे बेटा आ गए तुम? शैतान, कब से छुपा के रखा था इतनी प्यारी सुंदर संस्कारी और खाती पीती लड़की को हमसे? हाँ चल बेटा, आ तुझे निहारी बनानी सिखाऊ। अबे तुझे कहाँ मिल गई लड़की है? दूसरी बिरादरी की है। अबे काज के चक्कर में अच्छी बहू हाथ से क्यों जाने दूं? अबे कल को अगर हमारे खानदान में कोई लड़की आएगी हमारी बिरादरी से, आके हमारा जीना आराम कर देगी, उससे बढ़िया तो यही है। बेटा मेरे लिए चाय बना देना। जी अब्बू। थैंक यू पागल गई के। ये इंडिया है और मेरा देश अब तरक्की कर रहा है। खेल अब बड़ा हो चुका था, मैं तैयार था अपने आखिरी पड़ाव के लिए, बलिदान। दो चार हड्डियां तोड़वानी पड़ती, एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ता, पर मैं ये सब करने के लिए तैयार था। क्या होता है ना कि लड़की के आप पूरे खानदान को पसंद आ जाओगे, पर उसके भाई को कभी पसंद नहीं आओगे। हेलो बिल्ला बदमाश, ओ आई तेरी बहन किसके साथ घूम रही है? 12 ब्लॉक पार्क में गीता कॉलोनी। भाई जल्दी आया, लौंडा कड़क है, स्मार्ट एंड सेक्सी, ले जाएगा तेरी बहन को। हाय। हाय। क्या हाल है? अरे भैया, हाय भैया, भैया ये आश। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपकी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप में हूँ भैया। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आए मैं मारी जाऊँ भैया। मैं छोड़ दूंगा इसको भैया, मैं नहीं रहूंगा, कभी बात नहीं करूंगा भैया, मेरे को मारना मत भैया। भैया मैं इंजीनियर हूँ भैया, मेरे मुंह से प्रपोज निकल गई भैया, भैया मेरे को माफ कर दो। मियाँ तुम इंजीनियर हो? खड़े हो मियाँ, खड़े हो जरा। कसम खुदा की मजे आ गए। देखो मैं, हम भी हैं इंजीनियर, वो भी मैकेनिकल, तो हम तो समझते हैं कि इंजीनियर को लड़की कोई नहीं देता, और तुम्हें मिल गई इतनी खूबसूरत लड़की तो हम मना थोड़ी नहीं करेंगे। ना 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 ना, ना। जाओ जाओ, हमारी बहन को लेके जाओ, जियो अपनी जिंदगी। एहसान चाबी दे बेटा, ये लो हमारी बुलेट की चाबी, जाओ जाओ। चलो सिस्टर। ए मियां ब्रेक थोड़ा कम मारना। वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे बौने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। साला मेरी किस्मत भी ऐसी थी, पर मैंने सोच लिया था इस बार डायरेक्ट जाऊंगा और बोल डालूंगा, वो रोए धोए जो मर्जी करे, मैंने उसको जाके बोल देना है। वी नीड अ ब्रेक। ओके। यू श्योर? बेबी ये कहां ले आई हो? बेबी ब्रेक, मैं कब से सोच रही थी कि रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, और तुमने बोल दिया ब्रेक, हमारी वेकेशन। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। बेबी मैं भी, चलो तुम बोलो पहले। काश उस दिन मैंने पहले बोल दिया होता, पर मैं भी बहुत बड़ा चूतिया हूँ ना। मैंने उसे बोला, अच्छा ठीक है तुम बोलो। तो पहले सीन तो चेंज करने दो। वो कहते हैं ना, सिंगल लड़का हमेशा रिलेशनशिप में आने के लिए रो रहा होता है, कभी उनसे जाके पूछो जो रिलेशनशिप में होते हैं, साले मर रहे होते हैं सिंगल रहने के लिए, पर मैं नहीं, मैं तो फंस चुका हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, बहुत सारी वीडियो आने वाली है, सारी बनी हुई है, मेरे आर्टिस्ट में रखी हुई है, डालता रहूंगा।